नमस्कार, हम व्यास मगध सम्राट सुदर्शन यादव समय अनुसार अरोसब के गीत कुछ न कुछ कथा प्रसंग के माध्यम से हम परोसीला अपनी कंपनी सम्राट म्यूजिक के माध्यम से ऐसे तीन गो हमारे चैनल बा सुदर्शन यादव ऑफिशियल, सम्राट म्यूजिक वर्ल्ड, अरे हमारी बच्ची पूजा यादव गाती है पूजा सम्राट ऑफिशियल। निक लगी तो तीनों चैनल के सब्सक्राइब करो, घंटी बजा के एकरा के पूरा कमेंट में बताएं कि कैसन कैसन गीत हम परोसी दीपावली के शुभ अवसर बा। आखिर सूर्य अस्त होने के बाद हमारा बात पर ध्यान रखो, सूर्य अस्त होने के बाद दीप जलाकर जगत जननी लक्ष्मी को पूजा क्यों की जाती है? ये लक्ष्मी कौन थी और कहां से आई? तने बात समझला बाबू। उस समय के बाद बा जब देवता दानों में युद्ध छिड़ रहे, दोनों में घनाघोर युद्ध होत रहे, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, देवता जो मरस तो महाराज आस और दानव जो मरस तो शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानत रहले, वो विद्या से दानव के जियादत रहले, देवता चिंता में पड़ गईले भैल का कि अरे लड़ैया देवता दानों में भैले अरे दानों में भैले रे जहिया दानों में भैले रे लड़ैया देवता दानों में भैले तलसिया दूनों ओर से गिरे कही के मैया रे लड़ैया देवता दानों में भैले तलसिया दूनों ओर से गिरे कही के मैया हो लड़ैया देवता दानों में भैले जब दानों के लाश गिरे तो दैत गुरु शुक्राचार्य मृत्युंजीवनी विद्या से जिया दे, देवताओं के लाश बहराइल रहे, देवता बृहस्पति गुरु के पास गई ले कहले का होई दैत लोग जिंदा हो जा रहे हैं, हमने के युद्ध हार की ओर लौके लागल तो शुक्राचार्य उ मृत्युंजीवनी सेवु देत जियाई, देवता लोग बृहस्पति जी से कहले गए कि गुरुवार शुक्राचार्य उ मृत सजीवनी सेवु देत जियाई, अरे बृहस्पति के दालन गोले देव रहत भहराई रे लड़ैया देवता दानों में भैले देवता सोच सोच के जो है ले पैया रे लड़ैया देवता दान में भैले अरे देवता सोच सोच के जो है ले पैया हो लड़ैया देवता दान में भैले देवताओं के आग्रह पर देवता गुरु बृहस्पति महाराज कहल के देवता देवताओं देवताओं के जाने के लिए अमृत की जरूरत है और अमृत मिलेंगे कहां, कहले के समुद्र मथन करना पड़ेगा और समुद्र मथन करने के बाद जो अमृत निकलेंगे वो अमृत पिया दिए जाएंगे देवताओं को तो देवताओं अमर हो जाएंगे।
अब सारा देवता लोग के चिंता माथा में समाइल के समुद्र मथन होई कैसे। ततनी एक प्रति बढ़ जा मास्टर कि अरे चिंता के घाटा घो हो, चिंता के घाटा घो हो, राई रे कैसे सागर माथाई चिंता। अब के होई दुखवानी पो ताई रे कैसे सागर माथाई। अब कैसे दुखवानी पो ताई रे कैसे सागर माथाई। तो बृहस्पति के सलाह के अनुसार देवता दानव दोनों मिल के मंदराचल पर्वत के मथनी बनावल गई, बासुकी नाथ के डोरी बनावल गई, समुद्र में ले जाके डालल गई। जब देवता दानव मिल के जब सागर के मंथन करे लगले तो सागर नीचे की ओर दबे लगले। वही समय में भगवान कच्छप अवतार लेके अपना पीठ पर मंदराचल पर्वत के थम ले ले। देवता लोग बासुकीनाथ नाथ के पोंछ की ओर लगल बाड़े और दानव लोग उन नाग के मुंह की ओर लगल बाड़े। रही रही के नाग विष जब छोड़स तो दानव झोला झोला के गिरे लगले। लेकिन भइल का बाबू जब सागर मथा लगले तो वही समुद्र से रतन निकले लगले। कैसा रतन? सुर मिल के आर कोरल मथा नावा निकल लगल हो। अरे निकल लगल हो अब वही सागर से रतनावा। सबसे पहले विष निकलल में से, जब विष निकलल तब पूरा ब्रह्मांड विष से व्याकुल होके सर्वनाश की ओर जाए लागल। प्रथम में निकलल विष के सारा सृष्टि विष से व्याकुल होके लागल तो वही भगवान भोलेनाथ के आराधना लोग कैले। भगवान भोलेनाथ अले उ विष के नीलकंठ कंठ में धारण कैले, जो ना विष के प्रभाव से नीला कंठ हो गई। अगर विष
भोलेनाथ अंदर ले जाते तो मर जाते आ ना मरते तो विष के मर्यादा खत्म हो जाते। भोलेनाथ विष के अपना कंठ में धारण कैले, विष के प्रभाव से कंठ नीला हो गई, भगवान भोलेनाथ के नील कंठ भी नाम पड़ल। प्रथम में निकल से व्याकुल भइले दुनिया जहानवा, ए तब भोले दुनिया के, तब भोले दुनिया के कोइले बिसपा नवा निकलल जहिया हो, निकले लगले हो ओहि सागर से रतनवा, निकले लगले हो ओहि सागर से रतनवा। एगो दुगुना उस सागर मंथन भइल त 14 रत्न निकलल, 14 रत्न के प्रमाण बा। ऐरावत हाथी परियात पुष्प शंख धनवंतरी बैद घोड़ा ऐसे करके 14 रत्न निकला। एगो दू गो ना हो निकलल 14 गो रत्न, वही एगो रतन में महामाई लक्ष्मी जी निकलली, वही रे रतन में माई लक्ष्मी जी महानाम, लेकिन माँ जगत जननी धान के मालकिन कैसे हुई, और दीपावली के दिन सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि में दीप जला के पूजा क्यों किए जाते हैं, ध्यान हमर बात पर रखे। एगो दू गो ना हो निकलल 14 गो रतन, ओहि रे रतन में माई लक्ष्मी जी महाना, जब लक्ष्मी निकल ले तब विष्णु जी महामाई लक्ष्मी के अपना ले ले, जब अमृत निकलल तब देवता दानों में फेर युद्ध शुरू भइल। भगवान विष्णु मोहनी रूप लेके दानों से छल कैले, छल के फल स्वरूप जेकरा में राहु केतु वो अमृत के देवता के रूप धर के पी गईले, भगवान विष्णु चक्र से गर्दन काट देले। वही सूर्य ग्रहण आज लगा था, राहु के मस्तक जन मुंड रहे वो आज तक भी जिंदा बा। वही रे रतन के विष्णु जीव अपनैले, मोहनी रूपावा धर के अमृत खाति छल कैले,
यही जे भगवान विष्णु के मोहनी रूप आ मोहनी रूप लेकर के देवता के अमृत पियवले आ दानों के अमृत पिए से वंचित रख दिले। देख ली वही रतन के विष्णु देव ए बाबू हम के न माने बतिया हम के न माने बतिया लिखल बा पुराना वहां निकले लगले हो निकले लगले हो ओहि सागर से रतनवा वही महा लक्ष्मी के विष्णु जी अपना विष्णु लुक लेके गईले विष्णु जी महामाई लक्ष्मी के विधवत पूजा कईले विष्णु लोक में और वरदान दिले कि जाओ लक्ष्मी तू धन के मालकिन होगी और मृत लोक में रात्रि में अमावस्या के आसीन अमावस्या के दिन दीप जला करके विधवत पूजे जाओगी। जो भक्ति भावना से प्रेम से तुझे पूजा करेगा उसको अनधन से घर भर जाएगा। ए जब हवा वही पर मास्टर ए तब विष्णु जीव कोई के पूजा नवा विष्णु अरे देव को के पूजा नवा ऊपर दनवार दिहलेना विष्णु देव को के पूजा नवा ऊपर दनवार दिहलेना कल गए लक्ष्मी धन के तू मालकिन होइबा हर घर में पूजल जइबा धन के तू मालकिन होइबा हर घर में पूजल जइबा हे लक्ष्मी तहरा बिना न होई कलया नवा ऊपर तलवार दिहलेला हे तहरा बिना न होखी कलया नवा ऊपर तलवार दिहलेला कारण बाबू दीपावली के रात्रि में दीप जला के धन के मालकिन के जगत जननी के जो भक्त प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं उनको धन जन से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो हमारे से गवार भक्त वो महामाई लक्ष्मी से कैसे प्रार्थना करता अंतिम भाव में। तो अंतिम भाव में सुदर्शन जादू के कहना है क्या क्या यही कारण बा है बाबू यही कारण बा बाबू जी की दीप जला करके ये पूरी दुनिया में मां जगत जननी धन के मालकिन महालक्ष्मी के पूजा की जाती है। कैसे जगमाग जगमाग जगमग जगमग
दरबार की।